तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं लौकी की बहुत ही डिलीशियस और एकदम यूनिक रेसिपी। तो इसके लिए एक छोटे साइज़ का लौकी लेना है, सॉफ्ट वाला, और इस तरह से प्रिक कर देना है फोक से। अब इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल और अब इसे डायरेक्ट फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है। तो इस तरह से घुमा घुमा के हर तरफ से इसे रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, लौकी रोस्ट हो चुका है। और अब क्या करेंगे, एक नाइफ़ लेंगे और ऊपर से हल्का हल्का इस तरह से जो स्किन है इसका हटा देंगे। बहुत ज़्यादा डीपली इसे छीलना नहीं है। और अब आगे पीछे से कट कर देंगे। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो पहले बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे, फिर इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने लौकी को कट करके रेडी कर लिए हैं। अब गैस पे एक पैन रखा है, इसमें डाल देंगे सरसों का तेल 2 से 3 टेबल स्पून जितना। अब तेल को गर्म होने देना है। अब इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ को बारीक बारीक चॉप करके डाल देना है। और सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज रफली कटा हुआ, और प्याज को भून लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, प्याज ऑलमोस्ट भून चुका है। अब इसमें ऐड कर देना है टमाटर। तो 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली कट करके लिए इसे डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देना है नमक स्वादानुसार और मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक करके लो फ्लेम पे टमाटर प्याज को सॉफ्ट होने तक कुक कर लेना है। और जब तक प्याज टमाटर सॉफ्ट हो रहा है तब तक मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून फ्रेश दही लिया है, इसमें डाल देना है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, गर्म मसाला पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाला बिल्कुल रेडी है। और अब यहाँ पे टमाटर प्याज भी सॉफ्ट हो गया है, इसे इस तरह से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए है। अब इसमें ऐड कर देना है दही वाला मसाला जो हमने बना करके रखा है। तो ऐड कर देते हैं, कटोरी में थोड़ा सा पानी ऐड करके भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए मसालों को अच्छे से भुनना है, और तब तक भुनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम रखा है। और ये देखिए, मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें ऐड कर देना है कटा हुआ लौकी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ लौकी काफ़ी सॉफ्ट है। लौकी से जो पानी रिलीज होगा उससे ये अच्छे से कुक हो जाएगा। अब इसे ढक कर के बिल्कुल लो फ्लेम पे लौकी को सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। तो ये देखिए, लौकी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुका है। एक बार इस तरह से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। अब आप चाहो तो बिना ढके भी इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर सकते हो हाई मीडियम फ्लेम पे। मैं थोड़ी देर के लिए और ढक करके लो फ्लेम पे कुक कर लेती हूँ ताकि लौकी और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए, लौकी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब बिना ढके इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे इस तरह से मिक्स करते हुए। और बस लास्ट में ऐड कर देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये बहुत ही डिलीशियस लौकी की स्मोकी फ्लेवर वाला ड्राई सब्जी रेडी है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इंजॉय।